हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण है, वर्ण का अर्थ है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह मुंह से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसी से हिंदी में वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर से मात्राएं बनती हैं, जिसमें अ से लेकर औ तक से मात्रा बनती है। अंग और अहा अयोगवाह कहलाते हैं। फिर व्यंजन आते हैं, तो जिसमें व्यंजन एक स्पर्श होता है, फिर अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन होता है, गृहित या आगत व्यंजन होता है। इस प्रकार अब आप देखेंगे स्वर की परिभाषा। तो जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर का अर्थ है कि वो वर्ण जिनका उच्चारण किसी बिना दूसरे वर्ण की सहायता से हो, स्वर कहलाता है। जो स्वयं बोलने में उच्चारण करने में स्वतंत्र हो, स्वर कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद हैं हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसमें हस्व स्वर में उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, तथा प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें के दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है। जिनके उच्चारण जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः संबोधन में होता है या कविता में लय व ताल के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है व्यंजन। व्यंजन को हम परिभाषित करेंगे तो कहेंगे कि व्यंजन वह है जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ होता है, मतलब रुक कर होता है या घर्षण के साथ होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे क और अ, आधा क के साथ आ लगता है तब एक व्यंजन होता है। फिर व्यंजन के बाद आता है हलन। तो हलन वह होता है जिसमें आधा शब्द हम लिखते हैं तो उसमें एक तिरछी लाइन लिखते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं, जो 39 व्यंजन होते हैं और व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, आगत व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को बोलते समय हमारी जिह्वा कर्ण सालु मूर्धा दांत ओट आदि का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन वो होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है मध्य में रहने वाला। अंतस्थ व्यंजन में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, ऊष्म का अर्थ है गर्म। तो ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन है जिन्हें बोलते समय अंदर से निकलती हुई वायु मुख से विभिन्न भागों से घर्षण करती है, अतः घर्षण रगड़ के साथ उच्चारण होने के कारण वायु में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स श स ह। आगत वर्ण होते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं, जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द, जिनका हमारी हिंदी में भी प्रयोग होता है, तो जैसे जरा, जोर, जेबरा, फौरन इत्यादि। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मेल करते हैं तो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जैसे त्वा, स्वा, प्रा। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, जैसे छ, त्र, ज्ञान और श। आधा श और र मिल के श बनते हैं, आधा त र मिल के त्र, क और श से छ, ज्ञान ज और यहाँ से ज्ञान। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जब एक ही वर्ण दो बार मिलता है तो उसे दो द्विस्त व्यंजन कहते हैं, जैसे आधा ना और पूरा ना। तो इसका प्रयोग हम अन्य लिखने के लिए करेंगे। अब है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण में अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं।
तो अनुस्वार अनुनासिक दोनों भिन्न ध्वनियां हैं, लेकिन सुनने में एक जैसी लगती हैं। इनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इनका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। कभी कभी इनका प्रयोग एक जैसा होने से शब्द भी के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। इनका सुनने के अनुसार इनके शब्द अलग शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। विसर्ग है या अयोगवा या किसी अक्षर के सामने लगाया जाता है। इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है, जैसे प्राय, दुख, प्राता इत्यादि। व्यंजन का वर्गीकरण, तो व्यंजन का वर्गीकरण अभी हमने आपको बताया अनुस्वार अनुनासिक। अब तो व्यंजन के वर्गीकरण को पहले तो अनुस्वार अनुनासिक में करते हैं, लेकिन इसके बाद इसको अघोष सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण इत्यादि के आधार पर भी किया जाता है। अघोष वो है जिनमें स्वर तंतियों में कंपन नहीं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंतियों में कंपन नहीं होता, और सघोष में स्वर तंतियों में कंपन होता है। अल्पप्राण में जिसको बोलते समय वायु की मात्रा बहुत कम होती है, और महाप्राण में जैसे क, ग, अंगा, ये अल्पप्राण हुए, और महाप्राण में व्यंजन के उच्चारण में निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे घ, छ, या, ठ, ढ इत्यादि। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग तथा स, श, स, ह ऊष्म वर्ग हैं। इस प्रकार से सिर्फ अब देखते हैं वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है कि किसी शब्द को अलग करना। उसके बाद आता है बलाघात। बलाघात में होता है किसी शब्द को बोलते समय उसके उच्चारण के समय जिस शब्द पर अधिक बल लगता है उसे बलाघात कहते हैं। इसमें जो संयुक्त स्वर हैं उन पर कम बल कम लगता है। इस प्रकार संयुक्त स्वर के पूर्व जो शब्द जो वर्ण होते हैं उस पर अधिक बल लगता है, इस प्रकार उसकी ध्वनि ऊंची हो जाती है, तो हम बलाघात कहते हैं। वो बलाघात की परिभाषा अगर हम देखें तो कहेंगे कि बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं, तो बलाघात भी दो प्रकार का होता है, एक शब्द बलाघात होता है, एक वाक्य बलाघात होता है। तो आपने देखा कि बलाघात क्या होता है, बलाघात होता है जिस उच्चारण में जिस वर्ण पर अधिक बल पड़ता है वही बलाघात होता है। तो शब्द बलाघात में जिस शब्द पर अधिक बल पड़ेगा वो शब्द बलाघात कहलाएगा, और वाक्य बलाघात में जिस वाक्य पर अधिक बल वाक्य पड़ते हैं और जिस वाक्य पर अधिक बल पड़ता है वाक्य में जिस शब्द पर अधिक बल पड़ेगा चाहे वो कर्ता हो या कर्म, तो ऐसे शब्द वाक्य बलाघात कहलाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको पढ़ाया वर्ण। तो अब आपके दो चैप्टर हो गए, एक तो आपका हुआ शब्द, भाषा और वर्ण। तो इस प्रकार से आपके ये 6, 7, 8 तीनों के व्याकरण के कोर्स यहाँ सेम है, और तीनों को यहीं से पढ़ना है। 6, 7, 8 के लिए सेम प्रोस्पेक्टस है। अतः अब आगे बढ़ेंगे लिटरेचर की तरफ। धन्यवाद।